जी पितरू को कि पितरू को जो है तो उनकी तस्वीर अगली रूम में सब लोग रखते हैं, बैठक रूम में। बिल्कुल। तो ये बराबर है कि नहीं बराबर है? नहीं, क्योंकि बैठक रूम में सब लोग बाहर से आते हैं, बैठक वाले कक्ष में पितरों का स्थान नहीं होना चाहिए। आजकल जो परंपरा चली है कि बड़े बड़े फोटो बैठक में लगा देते हैं, ठीक है कि वो हमारे पिताजी थे, उनकी स्मृति में हमने उनका फोटो लगा रखा है। क्या शुभ नाम आपका? किशोर भाई पटेल बरोड़ा। जी जी किशोर भाई जी पटेल जी, देखो आजकल क्या है कि जीते जी लोग सेवा नहीं करेंगे, और जैसे ही माता पिता की मृत्यु हुई तो बढ़िया फोटो बनवा कर लाएंगे, फिर सुंदर फोटो देखेंगे कि कौन सी बढ़िया बढ़िया फोटो हो, और ताकि हम भी पितृभक्त कहलाएं और एक बड़ी सी फोटो बैठक में लगा दें, लोग कहें कि भाई देखो कितने पितृभक्त हैं। अरे भैया जीते जी खूब माता पिता की सेवा करिए, उनके आँखों में आंसू मत आने दीजिए। और कुछ आप कह रहे हैं? कहते जाइए, कही कहिए। और दूसरा ऐसा है कि जो पितरों को ये तस्वीर जो है जो घर में रहती है, तो कितना टाइम तक वो रख सकते हैं? और रख सकते हैं तो फिर बहुत टाइम हो जाता है, फिर क्या हमारे बच्चे के बच्चे आते हैं तो फिर वो कचरे में डाल देते हैं, तो उसका करता अपन खुद वो तस्वीरों को कहीं नहीं। नहीं ऐसा नहीं है कि बच्चे डाले ही दें, यदि बच्चों में संस्कार है समझ है तो वो नहीं डालेंगे। पितरों के फोटो रखने से ना कोई दोष है ना कोई हानि है, क्योंकि हमारे पूर्वजों की स्मृति, हमारे पिताजी ऐसे थे तो छोटे बच्चे भी समझ पाएं कि हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारे परदादाजी ऐसे थे, तो वो एक केवल उसके लिए है। पहले तो फोटो नहीं होते थे, पितरों का आवाहन जो है वो फोटो वोटो में नहीं होता है, पितरों का आवाहन तो सूक्ष्म रूप में होता है। कुश की एक चट बनती, चट बोलते हैं उसको शास्त्र की भाषा में, कुश की ग्रंथि लगा करके और कुश में गठान लगाकर ग्रंथि लगाकर उसको पत्तल पर रख दिया जाता है या पटले पर रख दिया जाता है, वहाँ पितरों का आह्वान होता है। फोटो वोटो से कोई विशेष प्रयोजन नहीं है क्योंकि फोटो तो आजकल की व्यवस्था है। लेकिन यदि आपके घर में पितरों की फोटो है तो बैठक रूम में मत लगाइए, बैठक रूम में नहीं लगाना चाहिए, भगवान वाले कक्ष में भी नहीं लगाना चाहिए। तो आप कहेंगे पर कहाँ लगाएं? कहीं ऐसी जगह लगाएं जहाँ सबकी दृष्टि एकदम ना पड़े, भगवान की स्थान है वहाँ से भी थोड़ा अलग रखेंगे। हो सके तो पितरों को दक्षिण वाली दीवार पर लगाइए, जैसे कि पितरों का मुंह उत्तर को रहे तो दक्षिण वाली दीवार पर पितरों के फोटो आदि लगने चाहिए, क्योंकि पितृ लोग जो है वो दक्षिण दिशा में है, दक्षिण में हम उनको प्रणाम करें तो हमारा मुख दक्षिण में रहे, हम उनको प्रसाद आदि लगाएं कुछ भोग लगाएं तो हमारा मुख दक्षिण में रहे। पितरों को हमेशा इस उंगली से तिलक लगाना चाहिए, कभी जैसे पितरों की पूजा कर रहे हैं आप तो हमेशा इस उंगली से ही तिलक लगाएं, इससे कभी ना लगाएं। ये जो उंगली है ये देवताओं को तिलक लगाने की है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। जिसको हम अनामिका कहते हैं, अनामिका किसके लिए है? देवताओं के लिए, सब जानते हैं अनामिका से देवताओं को तिलक लगाया जाता है। ये जो तर्जनी उंगली कहलाती है, इस तर्जनी उंगली से हमें पितरों को तिलक लगाना चाहिए, और स्वम्य को तिलक लगाने में मध्यमा का प्रयोग करना चाहिए। किसी अतिथि को तिलक लगाना है तो आप अंगूठे का प्रयोग करिए, लेकिन ध्यान रहे अपने से बड़े को अंगूठे से कभी तिलक ना लगाएं। अपने से जो बड़े हैं, जो गुरुजन हैं, जो ब्राह्मण देवता हैं, वो भी भगवान का ही स्वरूप माने जाते हैं, इसलिए उनको हमेशा इस उंगली से ही मानी अनामिका से ही तिलक लगाना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि लोग गुरुजी की तिलक लगा रहे हैं, व्यास गादी पर आए और व्यासपीठ पर ब्राह्मण को तिलक कर रहे हैं तो अंगूठे से तिलक करते हैं। अंगूठे से यदि अपने से बड़े से हम अपने से बड़े व्यक्ति को अंगूठे से तिलक करते हैं तो बड़ा दोष लगता है, नहीं करना चाहिए। अपने से छोटे को या अतिथि को भी अंगूठे से कर सकते हैं, तो हमेशा अपने से पूज्य जनों को इस उंगली से ही लगाएं, और पितरों को जब तिलक लगाएं तो इस उंगली से माने अनामी तर्जनी से लगाना है। साथ में ही पितरों को चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, लाल चंदन कभी नहीं लगाना है। लाल चंदन भले ही कोई सौभाग्यवती नारी की मृत्यु हुई हो तो लोग सोचते हैं वो तो सुहागन गई थी तो उनको तो लाल वस्तुएं, लाल वस्तुएं चढ़ सकती है लेकिन तिलक लाल नहीं लग सकता। तिलक जो है उनको सफ़ेद, क्योंकि पितरों का वर्ण सफ़ेद है। पुष्प भी यदि चढ़ाने हैं तो सफ़ेद रंग के ही पुष्प पितरों को चढ़ाना चाहिए।
जी, और आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, दूसरा के वो जो तस्वीर है बहुत टाइम से है यार, अब यमुना जी में, गंगा जी में अमुक बहुत साल हो गए, तो फिर उनको हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी संतान हमारे जाने के बाद इनको सुरक्षित नहीं रख पाएगी अथवा संभालेगी नहीं, इनकी मर्यादा का ध्यान नहीं रखेगी, तो फिर अपने जीते जी ही उसका प्रबंध अपने अनुसार कर देना चाहिए। बिल्कुल कर दें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा बात जी, एकादशी के दिन अखा दिन उपवास करते हैं जी, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ हम अपन खा लेते हैं अनाज, कोई खा लेते हैं गलती से जी, तो फिर वो उपवास छोड़ देना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए। ये भी एक भ्रांति है। क्या है कि लोग सोचते हैं कि अरे हमने तो बिस्किट खा लिया, अब बिस्किट खा लिया तो व्रत भंग हो गया, अब व्रत रखने से क्या लाभ, तो अब तो खूब प्रसाद पाओ, भोजन पाओ। नहीं, अरे गलती से एक बिस्किट खा लिया आपने, व्रत खंडित तो हो गया, लेकिन अब और मत करिए, और अपराध करेंगे तो और ज़्यादा दोष लगेगा। वो अनजान में हुआ है उसका दोष नहीं लगेगा, लेकिन जानबूझकर दिन भर पाएंगे तो दोष लगेगा। इसलिए भूलवश यदि आपने व्रत वाले दिन कुछ खा लिया तो उस दिन भी व्रत छोड़ना नहीं है, व्रत करना है। वो नियम जो करते थे वो नियम नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं सोचना है कि आज तो खंडित हो गया तो छोड़िए, नहीं नहीं, कोई गिनती थोड़ा ही हो रही कि एक खंडित हो गया, ऐसा हो गया। भाई हमसे भूल के कारण हुआ ना, जानबूझ के फिर आगे नहीं खाना है। फिर फलहार जो बना हुआ है वो खा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, फिर यदि कुछ खाने की जरूरत पड़े तो फलहार करिए, जैसे हमेशा व्रत करते वैसे व्रत करिए। व्रत में भूलवश कुछ खा भी लिया है तब भी व्रत आप अपना निरंतर रखें, व्रत को तोड़ना नहीं है।